हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस समय आप देख सकते हैं मैं हूँ विक्टोरिया स्टेशन के जस्ट बाहर में, और ये है हमारा विक्टोरिया स्टेशन का कंस्ट्रक्शन साइट। और यहाँ पे गाइस विक्टोरिया स्टेशन का बन रहा है मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड स्टेशन बन रहा है, जो कि हमारा कोलकाता मेट्रो का जो पर्पल लाइन है उसमें आएगा। एंड ये जो स्टेशन है ये अंडरग्राउंड होगी, और अभी यहाँ पर इसका डी वॉल का काम चल रहा है। एंड ये इस स्टेशन की जो टोटल जो अंदर जो कंस्ट्रक्शन होना है वो होना है टीबीएम से होना है, और टीबीएम जो कि आपका खिदरपुर में वहाँ पर होगी, लॉन्च होगी आई गेस अगले साल मार्च, वो टीबीएम फिर यहाँ पे आएगी। अभी उस टीबीएम का कंस्ट्रक्शन चल रहा है चेन्नई में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कोलकाता में नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा, ये अभी प्लानिंग है, और उसके बाद मार्च में वो लॉन्चिंग होगी। अभी मैं गाइस अंदर गया था, बट अंदर गया लेकिन अंदर मुझे वीडियो शूट करने का मिला नहीं है परमिशन। एंड बेसिकली अंदर इन्होंने एक बनाया है स्टेशन का पूरा एक रेप्लिका बनाया है, मॉडल बनाया है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा NDTV यहाँ पे आई थी, और एक दो और चैनल्स आए थे जो उन्होंने कवर किया था। मैं भी आया था उसी लिए कि यार अगर मेरे को मिल जाए मौका, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको परमिशन लेना होगा RVNL से। मैं अब उसके लिए देखता हूँ, एंड अगर मिल जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर आके बना सकूँगा। ये है गाइस कंस्ट्रक्शन साइट है, विक्टोरिया मेमोरियल के जस्ट अपोजिट में है ये, एंड यहाँ पर अभी काम वाम हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। अब L&T है तो इसका काम हमेशा फास्ट रहता है। इनफैक्ट मैं गया था अंदर, मैंने अंदर देखा भी, बट मैं वो चीज़ शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे कैमरा लगा था, एंड साफ साफ गार्ड ने बोला था कि अभी यहाँ मत शूट करिएगा क्योंकि यहाँ ऊपर में कैमरा लगा है, तो उन्होंने बोला बाहर से शूट कर लीजिए। गाइज ये है अभी सीन यहाँ का, एंड जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को गाइज सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, सपोर्ट मिलता है, एंड साथ में मोटिवेशन भी मेरे को मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। एंड गाइस ये स्टेशन अपने आप में खास है, खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टेशन एरिया है ये है मैदान एरिया है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये पूरा मैदान एरिया है, और ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये स्टेशन। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर पहले आपका स्टेशन बनने का परमिशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये था कि अगर आप बना रहे हो तो आप जो जितने भी पेड़ हैं वो आपको सब हटाने पड़ेंगे। इनसे RVNL से बोला गया कि अगर आप पेड़ सारे काट रहे हो तो आपको उसका 10 times पेड़ कहीं और आपको प्लांट करना होगा। यहाँ पर बहुत अच्छा इन्होंने एक टेक्नोलॉजी यूज़ किया, जिससे I guess अराउंड 100 पेड़ जो यहाँ से उखाड़े गए हैं उसको RVNL ने लाइव जोका का जो हमारा यार्ड है, मेट्रो यार्ड है, वहाँ पर उन्होंने लाइव उसको वापस से इम्प्लांट किया है, एंड दे आर स्टिल अलाइव, एंड प्लांट भी किया है उसके बाद, और अराउंड मतलब जितने पेड़ प्लांट किए हैं अराउंड 500 सैम्पलिंग्स वहाँ पर पेड़ के अभी उन्होंने प्लांट भी किया है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो इसके लिए मीन्स एनवायरमेंट का खासकर ध्यान रखा गया है, एंड ये चीज़ साफ साफ कहा गया था कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर बनाने का नहीं मिलेगा परमिशन। ग्रेट जॉब, एंड इनफैक्ट जो हमारा पार्क स्ट्रीट का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे भी यही सेम काम वहाँ पे भी होगा। आपने जो गाइस इमेजेस जो अभी देखे हैं वो सारे वो न्यूज़ चैनल में आए थे, एंड मेट्रो रेलवे ने भी अपने फेसबुक पे पोस्ट किया था, एंड मैं खुद का अपना करूँगा कोशिश एक अच्छे से वीडियो शूट करने का। वैसे अंदर में भी देख सकते हैं काम हो रहा है, काफ़ी सारे लोग हैं अंदर।
सो गाइज, इस वीडियो को मैं यहीं पेंट करता हूँ एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कुछ दिन में मैं आपको अंदर का पूरा जो भी काम चल रहा है और जो मॉडल रूम जो बना है वो मैं आपको दिखाऊँ। एंड इस वीडियो को मैं गाइज यहीं पेंट करता हूँ एंड आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मुझे, जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और सपोर्ट मिलता है। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा एंड विक्टोरिया स्टेशन से आप सभी को मैं बाय बोलता हूँ एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।